आज हम बात करेंगे लैडर के बारे में और लैडर से होने वाले हजार्ड और उसे कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लैडर से क्या क्या हजार्ड होते हैं और हजार्ड से क्या क्या बचाव होते हैं। सबसे पहले लैडर से हमें ये हजार्ड होती है कि स्लिप एंड ट्रिप हो सकती है अगर हम प्रॉपर वे में नहीं चल रहे हैं या उसके लंग्स जो है वो प्रॉपर ना हो, स्टेप ना हो, उसमें से कोई मिस हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लैडर के पास जाना है तो हमें इंस्ट्रक्शन करना कि लैडर प्रॉपर वे में होना चाहिए, वो वेल मेंटेन होना चाहिए, लैडर फ्रंटेड नहीं होना चाहिए, लैडर के कोई लंग्स मिस नहीं होने चाहिए और उसके नीचे स्लिप रेसिस्टेंस रबड़ लगा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है। अगर और इससे हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम लैडर को कहीं भी लगाते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि ओवरहेड सप्लाई ना हो, उससे मिनिमम 10 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए और लैडर प्रॉपर वे में हम इंस्टॉल करेंगे। जहाँ इंस्टॉल करना है कि वहाँ की मिट्टी सरफेस जो हो प्रॉपर हो, बैलेंस्ड हो, हार्ड हो और उसके बाद से लैडर को हम इंस्टॉल करेंगे। तो लैडर के लिए हम सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि उसे इंस्टॉल किस लेवल पर करना है। इंस्टॉल करने के लिए हम 1:4 का रेशियो लेकर चलते हैं क्योंकि अगर दीवार की हाइट 16 फीट है तो हमें ये तो 4 वाला रेशियो हो गया, 1 के लिए 4 हो जाएगा। तो हमें नीचे की लंबाई 4 फीट से रखनी है लैडर को और ऊपर जाके 16 फीट हाइट हो जाएगी। तो ये लैडर को हमें रखना है 1:4 के रेशियो में और लैडर कभी भी हम रखते हैं तो वो जिस हम